साम्राज्यवादी नीतियों में अगली नीति जो थी उसमें हमने देखा था डलहौजी की नीतियां, डलहौजी की नीतियां। इन नीतियों का काल रहा 1848 से 56 और इसी के परिणाम स्वरूप 57 में विद्रोह देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके काल में भारतीय शोषण अपने चरम पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्रतिक्रिया देते हैं और ये प्रतिक्रिया होती है 1857 के विद्रोह के रूप में। ठीक है, देखते हैं डलहौजी की नीतियां। कुछ नीतियां आप देखेंगे तो ये होंगी विस्तारवादी नीति। विस्तार किसका? साम्राज्य का विस्तार, विस्तारवादी नीतियां। ठीक है, और कुछ देखेंगे आप आधुनिकीकरण की नीतियां। कि भारत में डलहौजी द्वारा कुछ ऐसी नीतियां अपनाई गई, जैसे रेलवे का विकास, डाक तार का विकास, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का विकास, बंदरगाहों में लाइट हाउस का विकास। तो इसके कारण माना जाता है कि यह आधुनिकीकरण इन्होंने किया। ठीक है, इन नीतियों में तीन प्रकार की नीतियां अपनाई गई। एक युद्ध की नीति, युद्ध की नीति के तहत पंजाब, ठीक है, बर्मा और सिक्किम, इस पर नियंत्रण किया गया। एक नीति अपनाई कुशासन का आरोप लगाकर कि ये ठीक से यहां की गवर्नेंस जो है वो इल गवर्नेंस हो रही है, गुड गवर्नेंस नहीं हो रही है, इस आधार पर, और इस आधार पर विलय किया गया अवध का। और एक अगली प्रमुख और चर्चित नीति थी हड़प नीति या गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मुख्य रूप से इस नीति की चर्चा करनी है हमें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। देखते हैं क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। गोद निषेध, इसके अंतर्गत यह कहा गया कि अगर कोई देशी शासक है या भारतीय शासक है, भारतीय क्षेत्रीय शासक है, और इस भारतीय क्षेत्रीय शासक का अगर कोई संतान नहीं है तो यह गोद नहीं ले सकता। ठीक है, अपना वारिस बनाने के लिए उसे गोद नहीं ले सकता, और इसका जो राज्य है वो राज्य किसके अधीन हो जाएगा अगर इसके पास वारिस नहीं होगा? तो ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगा। ठीक है, तो जो देशी राज्य हैं यहां पर गोद लेना या गोद ये नहीं ले सकते। ठीक है, इनके द्वारा पुत्र का गोद नहीं लिया जा सकता, पुत्री गोद नहीं ली जा सकती, कोई वारिस इनके द्वारा नहीं अपनाया जा सकता। ठीक है, इसके द्वारा ब्रिटिश विस्तार जो है यह अधिकतम हो गया भारत में। देखेंगे कैसे यह अधिकतम हुआ। अधिकतम इसलिए हो गया क्योंकि इसमें किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, अंग्रेजों को युद्ध नहीं करना पड़ा, और युद्ध मतलब अगर युद्ध नहीं करना पड़ रहा है तो इसके कारण उन्हें बहुत बड़ी एक क्षति नहीं हो रही है, उनकी राजकोषीय क्षति हानि कम हो रही है। ठीक है, बिना युद्ध के भारत के एक बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार हो जाता है। और इनके इसके अंतर्गत विलय किया जाता है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, करौली और नागपुर का। इनका विलय इसके अंतर्गत कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस नीति के तहत मुख्य रूप से
एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, और वहीं हमको देखने को मिला इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कि ये जो झांसी है यहाँ पर आपको दिखाई देगा विद्रोह। ठीक है, इसके क्या परिणाम हमें दिखाई देते हैं मुख्य रूप से, इस गोद निषेध नीति के हमें क्या रिजल्ट्स दिखाई देते हैं? पहला रिजल्ट यह दिखाई देता है कि सैन्य अभियान के बिना ब्रिटिश का नियंत्रण हो जाता है एक बड़े क्षेत्र पर, बड़े भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया जाता है बिना किसी सैन्य अभियान के। लेकिन इसी के परिणाम स्वरूप जो देसी राज्य हैं इनमें असंतोष व्याप्त होता है, इनको लगता है कि हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया गया, जो भारतीय पब्लिक है ठीक है इसमें असंतोष व्याप्त होता है। ठीक है, और जब ये असंतोष व्याप्त होता है तो ये करते हैं विद्रोह, ये करते हैं विरोध, और इसके परिणाम स्वरूप भारत फाइनली आजाद होता है। ठीक है, और इसका तात्कालिक विद्रोह जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है 1857 के विद्रोह के रूप में। इस टाइम पर ये जो नीति अपनाई जा रही थी, क्योंकि भारत में जो है विस्तारवादी नीतियों को इसको तीन चरणों में लागू किया गया था भारत में। पहला चरण था 1757 से लेकर 1813 का चरण। ठीक है, इस टाइम पर ब्रिटिश के द्वारा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अपनाई गई या घेरे की नीति अपनाई गई, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या घेरे की नीति ब्रिटिश द्वारा इस टाइम पर अपनाई गई। यह घेरे की नीति क्या थी? इस घेरे की नीति के अंतर्गत यह था कि ब्रिटिश शासन जो था भारत में वो अभी एक नवजात शिशु की तरह था। ठीक है, नवीन शासन था तो इसका जो है आधार, ये आधार था कमजोर। तो सबसे पहले इस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के थ्रू इन्होंने इस आधार को मजबूत किया, क्योंकि अगर यहीं से वो विलय और विस्तार की नीति अपना देते तो उनका आरंभ में ही समापन हो जाता है। ठीक है, आरंभ में ही इनका समापन आपको दिखाई देता 1857 से 1813 के बीच। इसलिए इन्होंने घेरे की नीति अपनाई, पहले भारतीय राजनीति को समझा, भारतीय समाज को समझा, भारतीय प्रशासन, भारतीय आर्थिक स्थिति को समझा। ठीक है, और इसके बाद जब इनका एक आधार मजबूत हो गया तो ये 1813 से लेकर 1860 तक भारत में नीति अपनाते हैं विलय एवं विस्तार की नीति। अठारह के परिणाम स्वरूप भारत में ये जो विलय एवं विस्तार की नीति है इसके अपनाए जाने का एक रीजन ये भी होता है कि जो इन्हें चुनौती मिल रही थी, ये चुनौती मिल रही थी इन्हें फ्रांस के नेपोलियन से। 1813 तक यूरोपियन पॉलिटिक्स में आपको नेपोलियन का अंत होता दिखाई देगा। ठीक है, और जिससे पॉलिटिकली जो है स्ट्रांग हो जाता है ब्रिटेन। ठीक है, साथ ही 1813 के परिणाम इसी समय होती है औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, जिसके कारण ब्रिटेन की जो आर्थिक नीति है, आर्थिक स्थिति है, यह आर्थिक स्थिति भी ब्रिटेन की मजबूत होती है। इसीलिए इस चरण में
भारत के राजनीतिक क्षेत्र में विलय एवं विस्तार तथा सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप दिखाई देगा। 1829 में लागू होती दिखाई देगी आपको सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये भारतीय समाज में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जो है ये दिखाई देगा। इसी समय भारत में एजुकेशन को बढ़ावा भी दिया जाता है डलहौजी के द्वारा, वुड्स डिस्पैच लाया जाता है डलहौजी के द्वारा। तो ये हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। और 1860 के बाद जो नीति अपनाई जाती है ये विलय और विस्तार की नीति जो है ये समाप्त कर दी जाती है। 1858 के अधिनियम में क्वीन की घोषणा आती है और क्वीन द्वारा घोषणा की जाती है कि किसी भी देश, क्योंकि 1857 का विद्रोह होता है और इस विद्रोह के मुख्य कारण के रूप में देखा जाता है कि ये जो गोद निषेध प्रथा थी इसके अंतर्गत क्या किया गया, देशी जो राज्य थे इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। और जब इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो उन्होंने देखा इसको एक मुख्य कारण के रूप में, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अब देशी जो राज्य हैं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और भारत में विलय और विस्तार को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि पूरे भारत में विस्तार ऑलरेडी हो चुका था, अब कोई जगह नहीं बची थी विलय और विस्तार के लिए। तो कैसे फिर ये विलय और विस्तार करते, ठीक है? तो बोला गया कि भाई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1860 के बाद इन्होंने भारत में अपने शासन को स्थायित्व प्रदान किया। ये तीन चरण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं और इसी में जो ये गोद निषेध प्रथा वाला चरण है ये आता है विलय और विस्तार के चरण के अंतर्गत। अब हमें देखने हैं डलहौजी के कुछ सुधार कार्य। कुछ लोग डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, ठीक है? तो क्या ये वास्तविक सच है या ये केवल एक सेंटेंस है? इसके सुधार कार्यों में देखेंगे हम वुड्स घोषणा पत्र। इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का तात्पर्य होता है अधिकार पत्र। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें रखी गई। इसमें महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई, महिलाओं को शिक्षित करने की बात की गई। जिस भारतीय समाज में, भारतीय पारंपरिक जो हमारा समाज आ रहा था, चला आ रहा था, इस समाज की यह खासियत थी कि समाज में जो महिलाएं थी इन महिलाओं को क्या है, शिक्षित नहीं किया जाता था जनरली, ठीक है? माना जाता था कि ये केवल घरेलू कार्यों के लिए बनी है, ठीक है? तो चूंकि ये एक प्रगतिशील विचार था, लेकिन भारतीयों ने इसे ब्रिटिश हस्तक्षेप के रूप में लिया कि ब्रिटिश जो है वो चाहते हैं कि हमारी इंटरनल जो घरेलू मामले हैं इन तक को प्रभावित करना चाहते हैं, ठीक है? वो बिगाड़ना चाहते हैं हमारे घर की महिलाओं को, ठीक है? ये उनके द्वारा सोचा गया, ठीक है, भारतीयों के द्वारा। उसके बाद लौकिक शिक्षा, अर्थात जो व्यवहारिक शिक्षा है, प्रैक्टिकल शिक्षा है, इस पर बल देने की यहां पर बात की गई इस मैग्ना कार्टा में। और भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात इस वुड्स घोषणा पत्र में की गई। वुड्स घोषणा पत्र, फिर इनके द्वारा अगला जो कार्य किया गया
वो किया गया कलकत्ता से पेशावर तक, कलकत्ता से पेशावर यहां तक जाता था ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जीटी रोड की इन्होंने करवाई मरम्मत, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में दिखाई देता है ये कार्य देश में, आधारभूत संरचना विकास। अठारह में इनके द्वारा भारतीय तार विभाग की स्थापना की गई, 1852 में भारतीय तार विभाग, ताकि संचार संबंधी सुविधाओं का विकास किया जा सके। लेकिन संचार संबंधी सुविधाओं का विकास क्यों? ताकि अगर दिल्ली में कोई विद्रोह कर दे तो तुरंत फोन लगाया जाए, कलकत्ता वाले तक तुरंत जो है मैसेज पहुंचाया जाए और वो वहां से सेना लेकर तुरंत आ जाए। ठीक है, अगर पारंपरिक माध्यम से या कबूतर या कोई ऐसे घुड़सवार या अन्य किसी माध्यम से जो है कलकत्ता तक खबर पहुंचानी हो तो फिर कैसे पहुंचाई जाएगी, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अब त्वरित शोषण के लिए त्वरित जो आर्मी है वो आ जाएगी और फिर देशी राज्य के खिलाफ वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है, उद्देश्य इसका ये था। उसके बाद क्या था, 1854 में लाया गया पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट ये लाया गया 1854 में। ठीक है, और डाक टिकट लगाकर जो है पत्र भेजना यहां से शुरू हुआ। 1853 में रेलवे का विकास पूर्णतः दिखाई देता है भारत में, रेलवे, और पहली ट्रेन जो चली वो चली थी बंबई से ठाणे के बीच, बंबई से ठाणे के बीच ये पहली ट्रेन चली इन्हीं के समय पे, तो रेलवे का विकास दिखाई देता है। लेकिन रेलवे का विकास भारत में तीव्र शोषण को प्रदर्शित करता है, ना कि भारत के विकास को, क्योंकि अब ब्रिटिश फैक्ट्रियों में निर्मित जो पक्का माल था वो भारत के दूरस्थ कोनों तक पहुंचाया जाने लगा। जो ब्रिटिश आर्मी थी वो भारत के सबसे रिमोट एरिया में जाकर और युद्ध कर सकती थी। ठीक है, और वहां से जो कच्चा माल था वो भी बड़े बंदरगाहों तक इस रेलवे के द्वारा पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, तो विकास का नहीं है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का, ठीक है, या उपनिवेशवाद का एक रूप दिखाई देता है हमें। ठीक है, भारत के जो सभी बंदरगाह थे, सभी बंदरगाह, इन बंदरगाहों पर लाइट हाउस लगाया गया। ठीक है, लाइट हाउस इंस्टॉल किए गए ताकि रात में भी ये सेवाएं दे सकें, और इन्हें विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया, विदेशी व्यापार के लिए ओपन कर दिया गया। दिखता तो ये ऐसा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है जोड़ा गया विदेशी अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अच्छी बात है ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ती है विदेशी अर्थव्यवस्था से, लेकिन इसकी एक समस्या है। ये समस्या आपको मुख्य रूप से दिखाई देगी कि 1813 में औद्योगिक क्रांति होती है और भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत विदेशों का जो माल है, ठीक है, या विदेशों के गुड्स हैं, उसको भारत में सस्ती दरों पर निर्यात किया जाता है, बिल्कुल लोवेस्ट शुल्कों पर, और भारत का जो सामान है वो अगर विदेश जाता है तो उस पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, जिसके भी कारण भारत के सामान की बिक्री विदेशों में नहीं हुई, लेकिन विदेशों के सामान की बिक्री भारत में बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय उद्योगों का भी आपको पतन इसके कारण दिखाई देगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से थे डलहौजी के सुधार कार्य। इन सुधार कार्यों के कारण ही डलहौजी को कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता।
लेकिन इन सारी पॉलिसीज का एक ही उद्देश्य था कि जो औपनिवेशिक हित थे ब्रिटेन के, जो औपनिवेशिक हित थे, भारत एक उपनिवेश था, आगे समझेंगे कि उपनिवेश क्या होता है, और यहां से इन हितों को साधना ही इन पॉलिसीज का मुख्य उद्देश्य था, औपनिवेशिक हितों को साधना, ठीक है। इसलिए यह तर्कसंगत नहीं होगा कहना कि यह आधुनिक भारत का निर्माता था, क्योंकि औपनिवेशिक हित को संचालित करने के लिए भारत का स्वतः ही आधुनिकीकरण हुआ, ना कि ये जो है आधुनिक भारत के निर्माता।